वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। माशाल्लाह ये हमारा जो बनाना शेक है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं ये शेक हमने कैसे बनाया। औज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं फूड मलक स्टाइल। ये देखिए आज बनाए जा रहे हैं हम बनाना शेक ज़बरदस्त। ये देखिए मेरे पास 3 चम्मच भर के खाने के चीनी है, शक्कर 5 अदद केले हैं मेरे पास। तो ये देख लें, दूध मैंने लिया है फुल क्रीम मलाई वाला, ठीक है। आप रबड़ी वाला ले सकते हैं, फुल क्रीम वाला ले सकते हैं, कच्चा ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्रीम वाला लिया है और मलाई वाला लिया है और बहुत ज़बरदस्त दूध है। इसको मिक्स करते हैं, बनाते हैं और दिखाते हैं फिर आपको। तो चलें जी, अभी हम मशीन में हमें रेडी कर लिया है, ठीक है। जग को धो के अच्छी तरह इस तरीके लगा दिया मैंने। तो अभी क्या करना है, हमने दूध को डालना है इसके अंदर। ये देखें जी, ये देखें मलाई, मलाई से बड़ा ज़बरदस्त ज़बरदस्त जायका आएगा इसका। कम ज़्यादा बाद में करेंगे दूध को। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, अब डालेंगे हमें केले इसके अंदर, तो चले जी केले हो गए हैं, अब इसको ग्राइंड करते हैं। तो चले जी, हमने हर चीज़ डाली, ढक्कन लगा दिया, अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। हमारा अभी जो बनाना शेक बन के तैयार है, अब इनको हम गिलासे में निकालते हैं, ठीक है। निकाल के और दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। अगर आपने इसमें कलर देना है, आप अपने रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी, एनल जेल वगैरह कोई भी चीज़ कलर डाल सकते हैं इसके अंदर, मसला नहीं है। लेकिन मैं इसको सादा रखूँगा, इसकी इसी तरह खूबसूरती है, ठीक है। इसको डालते हैं गिलासों के अंदर। ये कहते हैं देख कितना गाढ़ा गाढ़ा और कितना ज़बरदस्त है, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कलर देख रहे हैं आप इसका, ये फुल क्रीम दूध और मलाई का भी कमाल है और साथ में केले का। शक्कर आपने कम डालनी है अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि आपको याद होना चाहिए केले भी हमारे जो होते हैं मीठे होते हैं। लीजिए मेरा बनाना शेक बन के ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार तैयार है, ठीक है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और मैंने इसमें बर्फ़ शामिल नहीं की, उसकी वजह ये थी कि मैंने दूध को फ्रिज में रख दिया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था, दूध मेरा ठंडा है, इसलिए मैंने बर्फ़ शामिल नहीं की। और ज़बरदस्त ये ठंडा है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे थे फूड मलक स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।